हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि माइक्रोवेव का मैग्नाट्रॉन जो होता है उसको कैसे चेक करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं। इस बार हम इस मैग्नाट्रॉन को खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है। और आइए, सबसे पहले इसके लॉक लगे हुए हैं इसकी बॉडी के साथ। इसका फ्रंट वाला जो इन्होंने पैनल अलग से लगाया हुआ है उसके लॉक ओपन करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इसको फिक्स किया होता है और ये स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ और आप तीखा लेके इसको ओपन कर सकते हो। और ये दोनों तरफ से लॉक लगे हुए हैं, दोनों तरफ से इसको खोल लेते हैं हम। रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और ये ऊपर वाला पार्ट है इसका जो वो अलग हो चुका है। और इसके नीचे दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ये कॉपर की जाली लगाई हुई है, इसको अलग कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मैग्नेट लगाया हुआ है, इसको भी हल्के से उठा के इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तो आपने इसको साबित ही निकालना है तो आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा, ये टूट भी सकता है अगर इसके साथ हमने ज़बरदस्ती की तो। और ये मैग्नेट भी अलग हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने हीट सिंक लगाई हुई है, मे बी इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इसमें कूलिंग के लिए फ़ैन भी लगा होता है, आपको पता है माइक्रोवेव के अंदर। ये पत्तियां साइड में लगी हुई हैं, इसको थोड़ा सा हटा के पत्तियों को निकाल लेंगे। और ये पत्तियां निकल चुकी हैं अभी। और साइड में इसके जो मैग्नाट्रॉन का जो मेन पोर्शन होता है, जो इसका बीम लेज़र बीम जैसे होता है ऐसे ही होता है ये। इसके साथ दोस्तों दो वायर लगी हुई हैं, ये वायर कट कर देते हैं इसको अलग करने के लिए। इसके बाद इसका अंदर वाला पार्ट देखेंगे इसके अंदर क्या है। और ये है इसकी जो मेटल की हीट सिंक फिक्स की हुई है इसके साथ, और यहाँ पे दो वायर लगी होती हैं। और ये मैग्नेट लगा हुआ है, इसको भी अलग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका पीछे वाला जो बॉडी पार्ट है इसको भी हम ओपन करेंगे। ये भी इजीली ओपन हो चुका है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ भी सर्किट नहीं लगा होता। ये दो वायर जो आगे मैग्नेट्रॉन के मेन पार्ट को लगी हुई थी, फेरिट कोर बना के इसको, जैसे कि आपको ये देख सकते हो आप, इसको राउंड किया हुआ है इसके ऊपर दोनों को। ये सभी पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं, इतना ही इसमें कंपोनेंट लगे हुए थे। ये जो दोनों वायर हैं ये 18 नंबर की हैं, 18 नंबर गेज की वायर हैं जो। और ये जो पार्ट है दोस्तों जो जल जाती है वायर, वो बॉडी के साथ टच होकर फिर शॉर्ट हो जाती हैं। ये वायर इसको भी हमने चेक करके देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।